हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग फाइनली निकल रहे हैं नानी के यहाँ जाने के लिए। हम लोग सब हो गए हैं तैयार और पैकिंग भी हो गया है, और जो लेके जाना रहा उनके लिए संदेश वो भी बना ली हूँ सुबह। और फटाफट ये देखिए, हम लोग का लगेज एकदम तैयार है। एक दो तीन रखे हैं और बच्चे हैं दो बड़े भी हैं दो, सामान भी हो गया है। अब निकलते हैं, मिलते हैं स्टेशन में। दादे कहाँ आ रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? हेलो नंबर रखी है ना? हेलो अभी देखो, अरे अभी के पास ये रखा है, चार से तीन जाएंगे। अभी हम शेरे के पास जाए, देखो यहाँ पे शेरे दो तीन पाँच है, ये छह और सात पाँच। तो आप कर दो। हाय हाय, कहाँ आए हो भैया? निक्की बुआ के पास आए हैं हम लोग, और हम लोग को पहुँचे हो गया आधा घंटा फ्रेश फ्रेश में है, लेकिन इतना तेज अब से इधर में दर्द हो रहा है। हाँ बोलो, छूट गया है। हाँ सब मिल के हम बना देंगे ना बाद में, सुबह जब नहा धोलोगे। बस अब आँख एकदम हो रहा है, कम नींद। अब हम लोग बाय, गुड नाइट। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और नानी के यहाँ का ये पहला सुबह है, और मिलाते हैं निक्की से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और निक्की क्या बना रहे हो? मैं भजिया बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये बना रही प्याज वाला भजिया। और यहाँ आए हैं तो बस रोज यही हम लोग को बना बना खिलाएगी, रोज अच्छा अच्छा नाश्ता बनेगा। हाँ ठीक है, बना डाल। ये देखिए, ये निक्की हम लोग के यहाँ ने खुशी में ज़्यादा चावल बना दी रही, तो ये बच गया है, तो इसका मैं कुछ बना लेती हूँ अपने बेटा के लिए। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सर में, इसको मैं मिक्सर से बढ़िया पीस ली हूँ, और ज़्यादा मैं आधा ले करके इसको बना रही हूँ। अब इसी में मेरे को बन डालना है सिर्फ मसाले, और ये रहा सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, और इसी में थोड़ा सा डाल दूंगी हल्दी, और डाल देना है इसी में थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्का ही डाली रही,
और दो चम्मच बेसन। पूरा चावल का नहीं बना रही हूँ इसलिए दो चम्मच डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा बनाती तो ज़्यादा बेसन डालती, थोड़ा सा ये बढ़िया इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छे से फेंट लूँगी, रख दूँगी। और ये रहा भजिया, उसके बाद फिर मैं भजिया लोग पूरा निकाल ले रही हूँ, सबको देते जा रही हूँ। और बना ली, ये बन के ये भी तैयार हो गया है। फिर इसके बाद फिर बनाई थी चावल वाला बाबू के लिए। जाते हैं बाबू ले 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 ले। कहाँ हो बेटू अभी? हाँ कहाँ आए हो? निक्की बुआ के यहाँ। और नाश्ते में क्या खा रहे हो? भजिया। ये देखिए बना है भजिया और चटनी, तो बाबू को सिर्फ भजिया खाना है। आ जाइए आप लोग भी खाने भजिया, है ना भैया? चलो लो लो भजिया खाओ। फिर बाबू का एक और बना देती हूँ मैं, तो दोपहर में ये लोग खा लेंगे। अभी भजिया खाओ, ठीक है? मैं बनाने जा रही हूँ, ठीक? हाँ जल्दी से खाओ, पानी ले, पानी दे दूँगी। ये देखिए इतने अच्छे से इसको मिला दी रही, अब बस मैं ज़्यादा नहीं इसको 2-3 मिनट ही मैं रेस्ट करवाई हूँ। और इसमें ना पानी भी नहीं डाली, जितना पानी था उतने में ही ये अच्छे से मिल गया है। और अब इसको मैं डाल दूँगी एक पन्नी में ऐसे, और इसको बांध दी हूँ ऊपर से। और कैंची से अपने हिसाब से मैं मोटा या पतला काट सकती हूँ, तो मैं ज़्यादा पतला पहले काटी थी, फिर थोड़ी और मोटा काटी, थोड़ी मोटे मोटे मस्त पोंगड़ी जैसे, एकदम टेस्ट भी पोंगड़ी जैसे लग रहा था। और देखने में भी वो जब तोड़ दिए उसको तो मस्त दिख रहा था। ये हो गया तेल गरम, अब इसी में ही थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूँगी। बहुत अच्छा बना था, नानी बोलती है मैं तो जन्मे रात से नहीं खाई थी, यानी कि मैं जब से पैदा ली हूँ मैं ऐसा ये मिठाई को मैं नहीं खाई हूँ। ये नमक वाला चावल से बना है, वो तो विश्वास ही नहीं कर रही थी। और पहले तो उनको दी नहीं थी, मुझे लगा शायद ना खाएंगी, लेकिन बोलती है मेरे को बना करके फिर से खिलाओ। ये देखिए कितने अच्छे से ये बन जा रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी बन रहा था अच्छा, लेकिन इसको तेज़ आग होना चाहिए। फिर दोनों साइड से उलट पलट करके पका ली हूँ। ये देखिए बन के तैयार है दम मस्त ये नमकीन जलेबी। और बहुत बाबू तो पूरा ले गया और मेरे को पता भी नहीं चला, कि तुरंत ही खा के आ गया और कहता मुझे और चाहिए। ऐसे ही आप लोग भी बनाइए, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल पर आए सब्सक्राइब करें। और ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो ये चावल का बचा हुआ चावल का, तो प्लीज़ से लाइक करें वीडियो को। और ये देखिए फिर मैं ऐसे पूरे को निकाल ली रही, और ये रहा आज का नाश्ता सुबह का, और आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा। तब तक लिए बाय, टेक केयर।